तहफुजा ये इस्लामी निजामे मुआशरत का पूरा खाका था। अब आगे बढ़ने से पहले इस खाके की अहम खसूसियात को फिर एक नज़र देख लीजिए। इस निज़ाम का मंशा यह है कि इज्तिमाई माहौल को हत्तल इम्कान शहवानी हैजानात और तहरीकात से पाक रखा जाए, ताकि इंसान की जिस्मानी और जहनी कुव्वतों को एक पाकिज़ा और पुरसकून फ़जा में नश्व इर्तिका का मौका मिले और वो अपनी महफूज और मुज्तमा कुव्वत के साथ तामीर तमद्दुन में अपने हिस्से के काम अंजाम दे सके। दो, सिन्फी ताल्लुकात बिल्कुल दायरे इज़दिवाज में महदूद हों और इस दायरे के बाहर न सिर्फ इंतशार अमल को रोका जाए बल्कि इंतशार ख्याल का भी इम्कानी हद तक सद्देबाब कर दिया जाए। तीन, औरत का दायरे अमल मर्द के दायरे अमल से अलग हो। दोनों की फितरत और जहनी और जिस्मानी इस्तेदाद के लिहाज से तमद्दुन की अलग अलग खिदमात इनके सुपुर्द की जाए और उनके ताल्लुकात की तंजीम इस तौर पर की जाए कि वो जायज हुदूद के अंदर एक दूसरे के मददगार हों, मगर हुदूद से तजावुज करके कोई किसी के काम में खलल अंदाज ना हो सके। चार, खानदान के नज्म में मर्द की हैसियत कवाम की हो और घर के तमाम अफराद साहेब खाना के ताबे रहें। पांच, औरत और मर्द दोनों को पूरे इंसानी हुकूक हासिल हों और दोनों को तरक्की के बेहतर से बेहतर मौके बहम पहुंचाए जाएं, मगर दोनों में से कोई भी उन हुदूद से तजावुज ना कर सके जो मुआशरत में उसके लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। इस नक्शे पर जिस मुआशरत की तासीस की गई है उसको चंद ऐसे तहफुजात की जरूरत है जिनसे उसका नज्म अपनी जुमला खसूसियात के साथ बरकरार रहे। इस्लाम में ये तहफुजात तीन किस्म के हैं। एक, इस्लाह बातिन। दो, ताज़ीरी क़वानीन। तीन, इंसदादी तदाबीर। ये तीनों तहफुजात निज़ाम मुआशरत के मिजाज और मकासद की ठीक मुनासबत मलहूज रख कर तजवीज़ किए गए हैं और मिल जुल कर उसकी हिफाजत करते हैं। इस्लाह बातिन के ज़रिए से इंसान की तरबियत इस तौर पर की जाती है कि वो खुद बखुद इस निज़ाम मुआशरत की इताअत पर आमादा हो, आम इससे कि खारिज में कोई ताकत इसकी इताअत पर मजबूर करने वाली हो या ना हो। ताज़ीरी क़वानीन। ताज़ीरी क़वानीन के ज़रिए से ऐसे जराइम का सद्देबाब किया जाता है जो इस निज़ाम को तोड़ने और इसके अरकान को मुनहदिम करने वाले हैं। इंसदादी तदाबीर के ज़रिए से इज्तिमाई ज़िंदगी में ऐसे तरीक़े राइज किए गए हैं जो सोसाइटी के माहौल को गैर तबई हैजानात और मस्नूई तहरीकात से पाक कर देते हैं और सिन्फी इंतशार के इम्कानात को कम से कम हद तक घटा देते हैं। अखलाकी तालीम से जिन लोगों की इस्लाह बातिन मुकम्मल ना हुई हो और जिनको ताज़ीरी क़वानीन का खौफ भी ना हो, उनकी राह में ये तरीके ऐसी रुकावटें डाल देते हैं कि सिन्फी इंतशार की जानिब मैलान रखने के बावजूद उनके लिए अमली इकदाम बहुत मुश्किल हो जाता है। अलावा बरी यही वो तरीके हैं जो औरत और मर्द के दायरों को अमलन अलग करते हैं, खानदान के नज्म को उसकी सही सलामत इस्लामी सूरत पर कायम करते हैं और उन हुदूद की हिफाजत करते हैं जो औरतों और मर्दों की जिंदगी में इम्तियाज कायम रखने के लिए इस्लाम ने मुकर्रर की हैं। एक, इस्लाह बातिन। इस्लाम में इताअत अम्र की बुनियाद कुल्लियतन ईमान पर रखी गई है। जो शख्स अल्लाह और उसकी किताब और उसके रसूल पर ईमान रखता हो वही शरीयत के अम्र नवाही का असल मुखातब है और उसको अवामिर का मुती और नवाही से मुज्तनिब बनाने के लिए सिर्फ ये इल्म हो जाना काफ़ी है कि फ़ुला अम्र अल्लाह का अम्र है और फ़ुला नहीं अल्लाह की नहीं है। बस जब एक मोमिन को अल्लाह की किताब से ये मालूम हो जाए कि अल्लाह फहश और बदकारी से मना करता है तो इसके ईमान का इक्तिज़ा यही है कि वो इससे परहेज करे और अपने दिल को भी उसकी तरफ मायल होने से पाक रखे। इसी तरह जब एक मोमिन औरत को यह मालूम हो जाए कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशरत में उसके लिए क्या हैसियत मुकर्रर की है तो उसके भी ईमान का यही इक्तिज़ा है कि वो बरिज़ा व रग़बत इसी हैसियत को कबूल करे और अपनी हद से तजावुज ना करे। इस लिहाज से ज़िंदगी के दूसरे शोबों की तरह अखलाक और मुआशरत के दायरे में भी इस्लाम के सही और कामिल इत्तबा का मदार ईमान पर है
और यही वजह है कि इस्लाम में अखलाक और मुआशरत के मुतालिक हिदायत देने से पहले ईमान की तरफ दावत दी गई है और दिलों में इसको रासिख करने की कोशिश की गई है। ये तो इस्लाह बातिन का वो असासी नज़रिया है जिसका ताल्लुक सिर्फ अखलाकियात ही से नहीं बल्कि पूरे इस्लामी निज़ाम से है। इसके बाद खासकर अखलाक के दायरे में इस्लाम ने तालीम तरबियत का एक नहायत हकीमाना तरीक़ा इख्तियार किया है जिसको मुख्तसरन हम यहाँ बयान करते हैं। हया, पहले इशारतन ये कहा जा चुका है कि जिना और चोरी और झूठ और तमाम दूसरे मासी जिनका इर्तिकाब फितरत हैवानी के गलबे से इंसान करता है सब के सब फितरत इंसानी के खिलाफ हैं। कुरान ऐसे तमाम अफ़ाल को मुनकर के जामे लफ्ज से ताबीर करता है। मुनकर का लफ्जी तर्जमा मजहूल या गैर मारूफ है। इन अफ़ाल को मुनकर कहने का मतलब ये हुआ कि ये ऐसे अफ़ाल हैं जिनसे फितरत इंसानी आशना नहीं है। अब ये जाहिर है कि जब इंसान की फितरत इनसे ना आशना है और हैवानी तबीयत इस पर ज़बरदस्ती हुजूम करके इसको उन अफ़ाल के इर्तिकाब पर मजबूर करती है तो खुद इंसान ही की फितरत में कोई ऐसी चीज़ भी होनी चाहिए जो तमाम मुनकरात से नफरत करने वाली हो। शारे हकीम ने इस चीज के निशानदेही कर दी है, वो इसको हया से ताबीर करता है। हया के माने शर्म के हैं। इस्लाम की मखसूस इस्तिलाह में हया से मुराद वो शर्म है जो किसी अमर मुनकर की जानिब मायल होने वाले इंसान खुद अपनी फितरत के सामने और अपने अल्लाह के सामने महसूस करते हैं। यही हया वो कुव्वत है जो इंसान को फहशा और मुनकर का इकदाम करने से रोकती है, और अगर वो जिबिल्लत हैवानी के गलबे से कोई बुरा फेल कर गुजरता है तो यही चीज़ उसके दिल में चिटकियां लेती है। इस्लाम की अखलाकी तालीम और तरबियत का खुलासा यह है कि वह हया के उसी छुपे हुए मादे को फितरत इंसानी की गहराइयों से निकाल कर इल्म फहम और शुऊर की गिज़ा से उसकी परवरिश करती है और एक मजबूत हादसा अखलाकी बनाकर इसको नफ्स इंसानी में एक कोतवाल की हैसियत से मुतय्यन कर देती है। ये ठीक ठीक उस हदीस नबवी की तफसीर है जिसमें इरशाद हुआ है, लिकुल्ली दीनिन खुलुकुन व खुलुकुल इस्लामी अल-हयाउ। हर दीन का एक अखलाक होता है और इस्लाम का अखलाक हया है, और वो हदीस भी इसी मजमून पर रोशनी डालती है जिसमें सरवने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुझ में हया नहीं तो तेरा जो जी चाहे कर, यानी इदा लम तस्तही फस्ने मा शित, क्योंकि जब हया न होगी तो ख्वाहिशात जिसका मब्दा जिबिल्लत हैवानी है तुझ पर गालिब आ जाएगी और कोई मुनकर तेरे लिए मुनकर ही न रहेगा। इंसान की फितरी हया एक ऐसे अनघड़ मादे की हैसियत रखती है जिसने अभी कोई सूरत इख्तियार न की हो। वो तमाम मुनकरात से बितबा नफरत तो करती है मगर इसमें सूझबूझ नहीं है। इस वजह से वो नहीं जानती कि किसी खास फेल मुनकर से उसको किस लिए नफरत है। यही नादानिस्तगी रफ्ता रफ्ता उसके एहसास नफरत को कमज़ोर कर देती है, हत्ता के हैवानियत के गलबे से इंसान मुनकरात का इर्तिकाब करने लगता है और इस इर्तिकाब की पहम तकरार आखिरकार हया के एहसास को बिल्कुल बातिल कर देती है। इस्लाम की अखलाक तालीम का मकसद इसी नादानी को दूर करना है। वो इसको न सिर्फ खुले हुए मुनकरात से रोशनास करती है बल्कि नफ्स के चोर खानों तक में नियतों और इरादों और ख्वाहिशों की जो बुराइयां छिपी हुई हैं उनको भी इसके सामने नुमाया कर देती है और एक एक चीज़ के मुफसिदों से इसको खबरदार करती है ताकि अला वजहिल बसीरा इससे नफरत करे। फिर अखलाकी तरबियत इस तालीम याफ्ता शर्म व हया को इस कदर हसास बना देती है कि मुनकर की जानिब से अदना मैलान भी इससे मख्फी नहीं रहता और नीयत व ख्याल की ज़रा सी लग्जिश को भी वो तंबीह किए बगैर नहीं छोड़ती। इस्लामी अखलाकियात में हया का दायरा इस कदर वसी है कि ज़िंदगी का कोई शोबा इससे छूटा हुआ नहीं है। चुनाचे तमद्दुन और मुआशरत का जो शोबा इंसान की सिन्फी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है इसमें भी इस्लाम ने इस्लाह अखलाक के लिए इसी चीज़ से काम लिया है। वो सिन्फी मुआमलात में नफ्स इंसानी की नाजुक से नाजुक चोरियों को पकड़कर हया को उनसे ख़बरदार करता है और उसकी निगरानी पर मामूर कर देता है। यहाँ तफसील का मौका नहीं इसलिए हम सिर्फ चंद मिसालों पर इत्तेफ़ाक करेंगे। दिल के चोर।
कानून की नज़र में जिना का इतलाक सिर्फ जिस्मानी इत्तिसाल पर होता है, मगर अखलाक की नज़र में दायरे इज्दवाज के बाहर सिन्फ मुकाबिल की जानिब हर मैलान, इरादे और नीयत के एतबार से जिना है। अजनबी के हुस्न से आँख का लुत्फ लेना, उसकी आवाज से कानों का लज्जत याब होना, उससे गुफ्तगू करने में जबान का लोच खाना, उसके कूचे की खाक छानने के लिए कदमों का बार बार उठना, ये सब जिना के मुकद्दमात और खुद मानवी हैसियत से जिना है। कानून इस जिना को नहीं पकड़ता, ये दिल का चोर है और सिर्फ दिल ही का कोतवाल इसको गिरफ्तार कर सकता है। हदीस नबवी इसकी मुखबिरी इस तरह करती है, आंखें जिना करती हैं और उनकी जिना नजर है, और हाथ जिना करते हैं और उनकी जिना दस्त दराजी है, और पांव जिना करते हैं और उनकी जिना उस राह में चलना है, और जबान की जिना गुफ्तगू है, और दिल की जिना तमन्ना और ख्वाहिश है। आखिर में सिन्फी आज़ा या तो उन सब की तस्दीक कर देते हैं या तकजीब। फितने नजर। नफ्स का सबसे बड़ा चोर निगाह है, इसलिए कुरान और हदीस दोनों सबसे पहले इसकी गिरफ्त करते हैं। कुरान कहता है, ऐ नबी, मोमिन मर्दों से कह दो कि अपनी नजरों को बाज रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, ये उनके लिए ज्यादा पाकीजा तरीका है, जो कुछ वो करते हैं उससे अल्लाह बाखबर है। और ऐ नबी, मोमिन औरतों से भी कह दो कि अपनी निगाहों को बाज रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। सूरतुन्नूर। हदीस में है, आदमजादे, तेरी पहली नजर तो माफ है, मगर खबरदार दूसरी नजर न डालना। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, ऐ अली, एक नजर के बाद दूसरी नजर न डालो, पहली नजर तो माफ है मगर दूसरी नहीं। हजरत जाबिर ने पूछा कि अचानक नजर पड़ जाए तो क्या करूं? फरमाया, तो फौरन नजर फेर लो। जज्बे नुमाइशे हुस्न। इसी फितने नजर का एक शाखसाना वो भी है जो औरत के दिल में ये ख्वाहिश पैदा करता है कि उसका हुस्न देखा जाए। ये ख्वाहिश हमेशा जली और नुमाया ही नहीं होती, दिल के पर्दों में कहीं ना कहीं नुमाइशे हुस्न का जज्बा छुपा हुआ होता है, और वही लिबास की जीनत में, बालों की आराइश में, बारीक और शोख कपड़ों के इंतखाब में, और ऐसे ऐसे खफीफ जुज़ियात तक में अपना असर जाहिर करता है जिनका इहाता मुमकिन नहीं। कुरान ने इन सब के लिए एक जामे इस्तेलाह तबर्रुज जाहिलिया इस्तेमाल की है। हर वो जीनत और हर वो आराइश जिसका मकसद शोहर के सिवा दूसरों के लिए लज्जत नजर बनना हो, तबर्रुज जाहिलियत की तारीफ में आ जाती है। अगर बुर्का भी इस गर्ज के लिए खूबसूरत और खुशरंग इंतखाब किया जाए कि निगाहें इससे लज्जत याब हों, तो ये भी तबर्रुज जाहिलियत है। इसके लिए कोई कानून नहीं बनाया जा सकता, इसका ताल्लुक औरत के अपने जमीर से है। इसको खुद ही अपने दिल का हिसाब लेना चाहिए कि इसमें कहीं ये नापाक जज्बा तो छिपा हुआ नहीं है। अगर है तो वो उस हुक्म खुदावंदी की मुखातब है, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल उला। जो आराइश हर बुरी नीयत से पाक हो, वो इस्लाम की आराइश है, और जिसमें जर्रा बराबर भी बुरी नीयत शामिल हो, वो जाहिलियत की आराइश है। फितना जबान। शैतान नफ्स का एक दूसरा एजेंट जबान है। कितने ही फितने हैं जो जबान के जरिए से पैदा होते और फैलते हैं। मर्द और औरत बात कर रहे हैं, कोई बुरा जज्बा नुमाया नहीं है, मगर दिल का छिपा हुआ चोर आवाज में हलावत, लहजे में लगावट, बातों में खुलावट पैदा किए जा रहा है। कुरान इस चोर को पकड़ लेता है। कुरान कहता है, फला तख्तअना बिलकौल फयतमअ अल्लज़ी फी क़ल्बिही मरद वक़ुलना क़ौलन मअरूफा। सूरतुल अहज़ाब। दबी ज़बान से बात न करो कि जिस शख्स के दिल में बदनीयती की बीमारी हो, वो तुमसे कुछ उम्मीदें वापस्ता कर लेगा। बात करो तो सीधे साधे तरीके से करो, जिस तरह इंसान इंसान से बात किया करता है। यही दिल का चोर है जो दूसरों के जायज या नाजायज सिन्फी ताल्लुकात का हाल बयान करने में भी मजे लेता है और सुनने में भी। इसी लुत्फ की खातिर आशिकाना गजलें कही जाती हैं और इश्क व मोहब्बत के फसाने झूठ सच मिलाकर जगह जगह बयान किए जाते हैं, और सोसाइटी में उनकी इशात इस तरह होती है जैसे पोले पोले आँच
लगती चली जाए। कुरान इस पर भी तंबीह करता है, कहता है इन्नल लदीना युहिब्बुना अन तशीअ अल फाहिशा फिल लदीना आमनु लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा सूरह नूर। जो लोग चाहते हैं कि मुसलमानों के ग्रोह में बेहयाई की इशात हो, उनके लिए दुनिया में भी दर्दनाक अज़ाब है और आखिरत में भी। फितने ज़बान के और भी बहुत से शोबे हैं और हर शोबे में दिल का एक ना एक चोर अपना काम करता है। इस्लाम ने उन सब का सुराग लगाया और उनसे खबरदार किया। औरत को इजाज़त नहीं कि अपने शौहर से दूसरी औरतों की कैफियत बयान करे। तिर्मिज़ी की एक हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं औरत औरत से खला मला ना करे, ऐसा ना हो कि वो उसकी कैफियत अपने शौहर से इस तरह बयान कर दे कि गोया वो खुद उसको देख रहा हो। औरत और मर्द दोनों को इससे मना किया गया है कि अपने पोशीदा इज़दिवाजी मुआमलात का हाल दूसरे लोगों के सामने बयान करें, क्योंकि इससे भी फहश की इशात होती है और दिलों में शौक पैदा होता है। नमाज बाजमात में अगर इमाम गलती करे या उसको किसी हादसे पर मुतनब्बिह करना हो तो मर्दों को सुबहानअल्लाह कहने का हुक्म है, मगर औरतों को हिदायत की गई है कि सिर्फ दस्तक दें, ताली बजाएं और जबान से कुछ न बोलें। फितना आवाज, बसा औकात जबान खामोश रहती है मगर दूसरी हरकात से सामिया को मुतासर किया जा सकता है। इसका ताल्लुक भी नीयत की खराबी से है और इस्लाम इसकी भी ममानात करता है। कहता है वला यضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن, और वो अपने पांव जमीन पर मारती हुई ना चलें कि जो जीनत उन्होंने छुपा रखी है उसका हाल मालूम हो। फितना खुशबू, खुशबू भी उन कासिदों में से एक है जो एक नफ्स शरीर का पैगाम दूसरे नफ्स शरीर तक पहुंचाते हैं। ये खबर रसानी का सबसे ज्यादा लतीफ जरिया है जिसको दूसरे तो खफीफ ही समझते हैं, मगर इस्लामी हया इतनी हसास है कि इसकी तबय नाजुक पर यह लतीफ तहरीक भी गिरा है। वो एक मुसलमान औरत को इसकी इजाजत नहीं देती कि खुशबू में बसे हुए कपड़े पहनकर रास्तों से गुजरे या महफिलों में शिरकत करे, क्योंकि उसका हुस्न और उसकी जीनत पोशीदा भी रही तो क्या फायदा, उसकी अतरियत तो फिजा में फैल कर जज्बात को मुतहर्रिक कर रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो औरत अतर लगाकर लोगों के दरमियान से गुजरती है वो आवारा किस्म की औरत है। तिर्मिजी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे मुअत्ता और मुस्लिम में कहते हैं जब तुम में से कोई औरत मस्जिद में जाए तो खुशबू न लगाए। तिर्मिजी की एक और रिवायत में है मर्दों के लिए वो अतर मुनासिब है जिसकी खुशबू नुमाया और रंग मख्फी हो, और औरतों के लिए वो अतर मुनासिब है जिसका रंग नुमाया और खुशबू मख्फी हो। फितना उरियानी, सत्र के बाब में इस्लाम ने इंसानी शर्म हया की जिस कदर सही और मुकम्मल नफ्सियाती ताबीर की है उसका जवाब दुनिया की किसी तहजीब में नहीं पाया जाता। आज दुनिया की महज़ब तरीन कौमों का भी ये हाल है कि उनके मर्दों और उनकी औरतों को अपने जिस्म का कोई हिस्सा खोल देने में बाक नहीं। उनके यहाँ लिबास महज जीनत के लिए है, सतर के लिए नहीं, मगर इस्लाम की निगाह में जीनत से ज्यादा सतर की अहमियत है। वो औरत और मर्द दोनों को जिस्म के वो तमाम हिस्से छुपाने का हुक्म देता है जिनमें एक दूसरे के लिए सिन्फी कशिश पाई जाती है। उरियानी एक ऐसी नाशायस्तगी है जिसको इस्लामी हया किसी हाल में भी बर्दाश्त नहीं करती। गैर तो गैर, इस्लाम इसको भी पसंद नहीं करता कि मियाँ बीवी एक दूसरे के सामने बरहना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं जब तुम में से कोई शख्स अपनी बीवी के पास जाए तो उसको चाहिए कि सतर का लिहाज रखे, बिल्कुल गधों की तरह दोनों नंगे ना हो जाएं। इब्न माजा की रिवायत। तिर्मिजी की एक रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी बरहना नहीं देखा। इससे बढ़कर शर्म हया यह है कि तन्हाई में भी उरियां रहना इस्लाम को गवारा नहीं, इसलिए कि अल्लाह इसका ज्यादा हकदार है कि उससे हया की जाए। हदीस में आता है खबरदार कभी बरहना ना रहो क्योंकि तुम्हारे साथ अल्लाह के फरिश्ते लगे हुए होते हैं।
जो तुमसे जुदा नहीं होते बजुज उन औकात के जिनमें तुम रफ़े हाजत करते हो या अपनी बीवियों के पास जाते हो। लिहाजा तुम उनसे शर्म करो और उनकी इज्जत का लिहाज रखो। इस्लाम की निगाह में वो लिबास दर हकीकत लिबास ही नहीं है जिसमें बदन झलके और सतर नुमाया हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुस्लिम में मौजूद है। कहते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरतें कपड़े पहनकर भी नंगी ही रहें और दूसरों को रिझाएं और खुद दूसरों पर रिझें और बख्ती ऊँटों की तरह नाज से गर्दन टेढ़ी करके चलें, वो जन्नत में हरगिज दाखिल ना होंगी और ना उसकी खुशबू पाएंगी। यहाँ इस्तियाब मकसूद नहीं, हमने सिर्फ चंद मिसालें इस गर्ज से पेश की हैं कि इनसे इस्लाम के मेयारे अखलाक और उसकी अखलाकी स्पिरिट का अंदाज़ा हो जाए। इस्लाम सोसाइटी के माहौल और उसकी फ़जा को फहशा व मुनकर की तमाम तहरीकात से पाक कर देना चाहता है। इन तहरीकात का सरचश्मा इंसान के बातिन में है। फहशा व मुनकर के जरासीम वहीं परवरिश पाते हैं और वहीं से उन छोटी छोटी तहरीकात की इब्तिदा होती है जो आगे चलकर फसाद की मूजिब बनती है। जाहिल इंसान इनको खफीफ समझकर नज़रअंदाज कर देता है, मगर हकीम की निगाह में दरअसल वही अखलाक और तमद्दुन और मुआशरत को तबाह करने वाली खतरनाक बीमारियों की जड़ है। लिहाजा इस्लाम की तालीम अखलाक बातिन ही में हया का इतना ज़बरदस्त एहसास पैदा कर देना चाहती है कि इंसान खुद अपने नफ्स का एहतसाब करता रहे और बुराई की जानिब अदना से अदना मैलान भी अगर पाया जाए तो उसको महसूस करके वो आप ही अपनी कुव्वत इरादी से इसका इस्तिसाल करे। दो, ताज़ीरी क़वानीन। इस्लाम के ताज़ीरी क़वानीन का असलुल उसूल यह है कि इंसान को रियासत के शिकंजे में उस वक्त तक ना कसा जाए जब तक वो निज़ाम तमद्दुन को बर्बाद करने वाली किसी हरकत का बिलफेल मुर्तकिब ना हो जाए, मगर जब वो ऐसा कर गुजरे तो फिर इसको खफीफ सज़ाएं दे देकर गुनाह करने और सज़ा भुगतने का खुगर बनाना दुरुस्त नहीं है। सबूत जुर्म की शरायत बहुत सख्त रखो। लोगों को हुदूद कानून की जद में आने से जहां तक मुमकिन हो बचाओ, मगर जब कोई शख्स कानून की जद में आ जाए तो उसे ऐसी सजा दो कि न सिर्फ वो खुद उस जुर्म के इरादे से आजिज हो बल्कि दूसरे हजारों इंसान भी जो इस फेल की जानिब इकदाम करने वाले हों इस इबरतनाक सजा को देखकर खौफ ज़दा हो जाएं, क्योंकि कानून का मकसद सोसाइटी को जराइम से पाक करना है, न ये कि लोग बार बार जुर्म करें और बार बार सजा भुगतें। निज़ाम मुआशरत की हिफाजत के लिए इस्लामी ताज़ीरात ने जिन अफ़आल को जुर्म मुस्तलज़िम करार दिया है वो सिर्फ दो हैं, एक ज़िना, दूसरे क़ज़फ़, यानी किसी पर ज़िना की तोहमत लगाना। हद ज़िना। ज़िना के मुतालिक हम इससे पहले बयान कर चुके हैं कि अखलाकी हैसियत से यह फ़ैल इंसान की इंतहाई पस्ती का नतीजा है। जो शख्स इसका इर्तिकाब करता है वो दरअसल इस बात का सबूत देता है कि इसकी इंसानियत हैवानियत से मगलूब हो चुकी है और वो इंसानी सोसाइटी का एक सालेह रुकन बनकर नहीं रह सकता। इज्तमाई नुक्ते नज़र से ये उन अजीम तरीन जराइम में से है जो इंसानी तमद्दुन की ऐन बुनियाद पर हमला करते हैं। इन वजूह से इस्लाम ने इसको बजाय खुद एक काबिल ताज़ीर गुनाह करार दिया है। खाह इसके साथ कोई दूसरा जुर्म मसलन या किसी शख्स गैर की हक तलफी शरीक हो या ना हो, कुरान मजीद का हुक्म है अज़ानियत वज़ानी फजलिदु كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين। ज़िनाकार औरत और ज़िनाकार मर्द दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारो और कानून इलाही के मामले में तुमको उन पर हरगिज़ रहम ना खाना चाहिए अगर तुम अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हो। और जब उनको सजा दी जाए तो मुसलमानों में से एक जमात इसको देखने के लिए हाजिर रहे। इस बाब में इस्लामी कानून और मगरबी कानून में बहुत बड़ा इख्तिलाफ है। मगरबी कानून जिना को बजाय खुद कोई जुर्म नहीं समझता, उसकी निगाह में यह फेल सिर्फ उस वक्त जुर्म होता है जबकि इसका इर्तिकाब जबर इकराह के साथ किया जाए या किसी ऐसी औरत के साथ किया जाए जो दूसरे शख्स के निकाह में हो। बाल्फाज दीगर इस कानून के नजदीक
जिना खुद जुर्म नहीं है बल्कि जुर्म दरअसल जबर या हक तलफी है। बखिलाफ इसके इस्लामी कानून की नज़र में ये फेल खुद एक जुर्म है और जबर व इकराह या गैर हक में मुदाखलत से इस पर एक और जुर्म का इजाफा हो जाता है। इस बुनियादी इख्तिलाफ की वजह से सजा के बाब में भी दोनों के तरीके मुख्तलिफ हो जाते हैं। मगरबी कानून जिना बिलजबर में सिर्फ सजाए कैद पर इक्तफा करता है और मनकूहा औरत के साथ जिना करने पर औरत के शौहर को सिर्फ तावान का मुस्तहक करार देता है। ये सजा जुर्म को रोकने वाली नहीं बल्कि लोगों को और जुरत दिलाने वाली है। इसीलिए उन ममालिक में जहाँ ये कानून राइज है जिना का इर्तिकाब बढ़ता चला जाता है। उसके मुकाबले में इस्लामी कानून जिना पर ऐसी सख्त सजा देता है जो सोसाइटी को इस जुर्म और ऐसे मुजरिमों से एक मुद्दत के लिए पाक कर देती है। जिन मुमालिक में जिना पर सजा ये दी गई है वहाँ इस फेल का इर्तिकाब कभी आम नहीं हुआ। एक मर्तबा हद शरई जारी हो जाए फिर पूरे मुल्क की आबादी पर ऐसी हैबत छा जाती है कि बरसों तक कोई शख्स इसके इर्तिकाब की जुरत नहीं कर सकता। ये मुजरिमाना मैलानात रखने वालों के जहन पर एक तरह का नफ्सियाती ऑपरेशन है जिससे उनके नफ्स की खुद बखुद इसलाह हो जाती है। मगरबी ज़मीर 100 कोड़ों की सज़ा पर नफ़रत का इजहार करता है। उसकी वजह ये नहीं कि वो इंसान को जिस्मानी तकलीफ़ पहुँचाना पसंद नहीं करता बल्कि उसकी असल वजह तो ये है कि उसके अखलाकी शुऊर का नश्वोनुमा अभी तक नाकिस है। वो जिना को पहले सिर्फ एक ऐब समझता था और अब इसे महज एक खेल एक तफरीह समझता है जिससे दो इंसान थोड़ी देर के लिए अपना दिल बहला लेते हैं। इसलिए वो चाहता है कि कानून इस फेल से रवादारी बरते और उस वक्त तक कोई बाज़पुर्स न करे जब तक के जानी दूसरे शख्स की आज़ादी या उसके कानूनी हुकूक में खलल अंदाज ना हो। फिर उसमें खलल अंदाजी की सूरत में भी वो उसको ऐसा जुर्म समझता है जिससे बस एक ही शख्स के हुकूक मुतासिर होते हैं। इसलिए मामूली सजा या तावान उसके नजदीक ऐसे जुर्म की काफी सजा है। जाहिर है कि जो शख्स जिना का ये तसव्वुर रखता हो वो इस फेल पर 100 कोड़ों की सजा को एक जालिमाना सजा ही समझेगा, मगर जब इसका अखलाकी व इज्तिमाई शुऊर तरक्की करेगा और उसको मालूम होगा कि जिना खा बिर रिजा हो या बिलजबर और खा बियाही हुई औरत के साथ हो या बिन बियाही के साथ, बहरहाल वो एक इज्तिमाई जुर्म है और पूरी सोसाइटी पर उसके नुकसानात आयद होते हैं, तो सजा के मुतालिक भी इसका नज़रिया खुद बखुद बदल जाएगा। इसे तस्लीम करना पड़ेगा कि सोसाइटी को इन नुकसानात से बचाना ज़रूरी है और चूंकि जिना की तहरीक करने वाले असबाब इंसान की हैवानी जिबिल्लत में नहायत गहरी जड़ें रखते हैं और इन जड़ों को महज कैदोबंद और माली तावान के जोर से नहीं उखाड़ा जा सकता, लिहाजा उसका सदबाब करने के लिए शदीद तदाबीर इस्तेमाल किए बगैर कोई चारा नहीं। एक शख्स या दो शख्सों को शदीद जिस्मानी आजार पहुंचाकर लाखों अशखास को बेशुमार अखलाकी और इमरानी मजरतों से बचा देना इससे बेहतर है कि मुजरिमों को तकलीफ से बचाकर उनकी पूरी कौम को ऐसे नुकसानात में मुब्तला किया जाए जो आने वाली बेगुनाह नस्लों तक भी मुतवारिस होने वाले हों। 100 कोड़ों की सजा को जालिमाना करार देने की एक और वजह यह भी है जो मगरबी तहजीब की बुनियादों पर गौर करने से बआसानी समझ में आ सकती है। जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ, इस तहजीब की इब्तदाई जमात के मुकाबले में फर्द की हिमायत के जज्बे से हुई है और इसका सारा खमीर इनफरादी हकूक के एक मुबालगा आमेज तस्वुर से तैयार हुआ है। इसलिए फर्द खाह जमात पर कितना ही जुल्म करे अहले मगरब को कुछ ज्यादा नागवार नहीं होता बल्कि अक्सर हालात में वो उसे बखुशी गवारा कर लेते हैं। अलबत्ता जमाती हुकूक के हिफाजत के लिए जब फर्द पर हाथ डाला जाता है तो उनके रोंगटे खड़े होने लगते हैं और उनकी सारी हमदर्दियां जमात के बजाय फर्द के साथ होती हैं। अलावा बरी तमाम अहले जाहिलियत की तरह जाहिलियत मगरिब के पैरुओं की भी इम्तियाजी खसूसियत यह है कि वो माकूलात के बजाय महसूसात को ज्यादा अहमियत देते हैं। जो नुकसान एक फर्द पर मुतरतिब होता है वो चूंकि महदूद शक्ल में महसूस तौर पर उनके सामने आता है इसलिए वो उसे एक अजीम अमर समझते हैं, बखिलाफ इसके वो उस नुकसान की अहमियत का इदराक नहीं कर सकते जो वसी पैमाने पर तमाम सोसाइटी और उसकी आइंदा नस्लों को पहुंचता है क्योंकि वो अपनी वसअत और अपनी दूर रसी की बिना पर महसूस नहीं होता। हद्द-ए-क़ज़फ़।
जिना के जो नुकसानात हैं उन्हीं से मिलते जुलते नुकसानात तोहमत जिना के भी हैं कि ये शरीफ औरत पर जिना की झूठी तोहमत लगाना तन्हा उसी के लिए बदनामी का मूजिब नहीं बल्कि उससे खानदानों में दुश्मनी फैलती है, अनसाब मुश्तबह होते हैं, अज़दवाजी ताल्लुकात में खराबी वाक़े होती है और एक शख्स महज एक मरतबा जबान हिलाकर बीसियों इंसानों को बरसों के लिए मुब्तला अजाब कर देता है। कुरान ने इस जुर्म के लिए भी सख्त सजा तजवीज की है। सूरत नूर में है, والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون। और जो लोग पाक दामन औरतों पर इल्जाम लगाएं फिर चार गवाह उसके सबूत में पेश ना करें उनको 80 कोड़े लगाओ और आइंदा कभी उनकी गवाही कबूल ना करो, ऐसे लोग खुद ही बदकार हैं। 3 इंसदादी तदाबीर। इस तरह इस्लाम का कानून फौजदारी अपनी सियासी ताकत से एक तरफ तो बदकारी को जबरदस्ती रोक देता है और दूसरी तरफ सोसाइटी के शरीफ अरकान को बदनीयत लोगों की इस बदजबानी से भी महफूज कर देता है। इस्लाम की अखलाकी तालीम इंसान को अंदर से दुरुस्त करती है ताकि इसमें बदी और गुनाह की तरफ रुझान ही ना पैदा हो और उसका ताज़ीरी कानून उसको बाहर से दुरुस्त करता है ताकि अखलाकी तरबियत के नाकिस रह जाने से अगर इस किस्म के रुझानात पैदा हो जाएं और कुव्वत से फेल में आने लगें तो उनको बिल जबर रोक दिया जाए। इन दोनों तदबीरों के दरमियान चंद मजीद तदबीरें इस गर्ज के लिए इख्तियार की गई हैं कि इस्लाह बातिन की अखलाकी तालीम के लिए मददगार हों। इन तदबीरों से निज़ाम मुआशरत को इस तरह दुरुस्त किया गया है कि अखलाकी तरबियत के नकाइश से जो कमज़ोरियाँ अफराद जमात में बाकी रह जाएँ उनको तरक्की करने और कुव्वत से फेल में आने का मौका ही न मिल सके। सोसाइटी में एक ऐसा माहौल पैदा हो जाए जिसमें बुरे मैलानात को नश्वो नुमा देने वाली आबोहवा मफकूद हो, हैजान अंगेज तहरीकात नापैद हों, सिन्फी इंतशार के असबाब इंतहाई हद तक कम हो जाएं और ऐसी तमाम सूरतों का सद्देबाब हो जाए जिनसे निज़ाम तमद्दुन में बरहमी पैदा होने का इम्कान हो। अब हम तफसील के साथ उन तदबीरों में से एक एक को बयान करते हैं। लिबास और सत्र के अहकाम। अहकामे मुआशरत के सिलसिले में इस्लाम का पहला काम यह है कि उसने बरहनगी का इस्तेसाल किया और मर्दों और औरतों के लिए सत्र के हुदूद मुकर्रर किए। इस मामले में अरब जाहिलियत का जो हाल था आजकल की महज़ब तरीन कौमों का हाल उससे कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। वो एक दूसरे के सामने बेतकल्लुफ नंगे हो जाते थे, गुस्ल और कज़ाए हाजत में पर्दा करना उनके नज़दीक गैर ज़रूरी था, काबे का तवाफ बिल्कुल बरहना होकर किया जाता था और उसे एक अच्छी इबादत समझा जाता था, औरतें तक तवाफ के वक्त बरहना हो जाती थी। उनकी औरतों का लिबास ऐसा था जिसमें सीने का कुछ हिस्सा खुला रहता और बाजू कमर और पिंडलियों के बाज़ हिस्से खुल जाते थे। बिल्कुल यही कैफियत आज यूरोप अमेरिका और जापान की भी है और मशरिकी ममालिक में भी कोई दूसरा निज़ाम मुआशरत ऐसा नहीं है जिसमें कशफ व सतर के हुदूद बाकायदा मुकर्रर किए गए हों। इस्लाम ने इस बाब में इंसान को तहजीब का पहला सबक सिखलाया है। उसने बताया कि या बनी आदम क़द अनज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम व रीशा, सूरतुल आराफ़। ए औलाद आदम, अल्लाह ने तुम पर लिबास इसीलिए उतारा है कि तुम्हारे जिस्मों को ढांके और तुम्हारे लिए मूजिब ज़ीनत हो। इस आयत की रूह से जिस्म को ढांकने को हर मर्द और औरत के लिए फ़र्ज कर दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त अहकाम दिए हैं कि कोई शख्स किसी के सामने बरहना ना हो। मलऊन वो है जो अपने भाई के सतर पर नज़र डाले। अहकामुल कुरान। मुस्लिम में एक रिवायत आती है कि कोई मर्द किसी और मर्द और कोई औरत किसी और औरत को बरहना ना देखे। खुदा की कसम, मैं आसमान से फेंका जाऊं और मेरे दो टुकड़े हो जाएं, ये मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि मैं किसी के पोशीदा मकाम को देखूं या कोई मेरे पोशीदा मकाम को देखे। अल मबसूत। तिर्मिजी की रिवायत में है, खबरदार कभी बरहना ना रहो क्योंकि तुम्हारे साथ वो है जो तुमसे कभी जुदा नहीं होता सिवाय कज़ाए हाजत और मुबाशरत के वक्त के। इब्ने माजा में एक रिवायत है
कि जब तुम में से कोई अपनी बीवी के पास जाए तो उस वक्त भी सतर ढाके और बिल्कुल गधों की तरह नंगा ना हो जाए। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कात के ऊँटों की चरागाह में तशरीफ ले गए तो देखा कि चरवाहा जंगल में नंगा लेटा है। आपने उसी वक्त उसे माजूल कर दिया और फरमाया, जो शख्स बेशर्म है वो हमारे किसी काम का नहीं। मर्दों के लिए सतर के हुदूद। इन अहकाम के साथ औरतों और मर्दों के लिए जिस्म ढांकने के हुदूद भी अलग अलग मुकर्रर किए गए हैं। इस्तिलाह शरई में जिस्म के उस हिस्से को सतर कहते हैं जिसका ढांकना फर्ज है। मर्द के लिए नाफ और घुटने के दरमियान का हिस्सा सतर करार दिया गया है और हुक्म दिया गया कि उसको न किसी के सामने खोलें और न किसी दूसरे शख्स के उस हिस्से पर नजर डालें। दारुकुतनी में एक रिवायत है, जो कुछ घुटने के ऊपर है वो छुपाने के लायक है और जो कुछ नाफ के नीचे है वो छुपाने के लायक है। मबसूत की एक रिवायत है, मर्द के लिए नाफ से घुटने तक का हिस्सा छिपाने के लायक है। तफसीर कबीर में ये रिवायत है, अपनी रान को किसी के सामने न खोल और न किसी जिंदा शख्स या मुर्दा शख्स की रान पर नजर डाल। ये हुक्म आम है जिससे बीवियों के सिवा और कोई मुस्तस्ना नहीं। चुनाचे हदीस में है, अपने सतर की हिफाजत करो बजुज अपनी बीवियों के और उन लौंडियों के जो तुम्हारे तसर्रुफ में हो। अहकामुल कुरान। औरतों के लिए सतर के हुदूद। औरतों के लिए सतर के हुदूद इससे ज्यादा वसीय रखे गए हैं। उनको हुक्म दिया गया है कि अपने चेहरे और हाथों के सिवा तमाम जिस्म को तमाम लोगों से छिपाएं। इस हुक्म में बाप, भाई और तमाम रिश्तेदार मर्द शामिल हैं और शौहर के सिवा कोई मर्द इससे मुस्तस्ना नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने जरीर की एक रिवायत में फरमाया, किसी औरत के लिए जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखती हो, जायज़ नहीं कि वह अपना हाथ इससे ज्यादा खोले। ये कहकर आपने अपनी कलाई के निसफ हिस्से पर हाथ रखा। जब औरत बालिग हो जाए तो उसके जिस्म का कोई हिस्सा नजर ना आना चाहिए सिवाय चेहरे और कलाई के जोड़ तक हाथ के। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैं अपने भतीजे अब्दुल्लाह इब्न अत्तुफैल के सामने जीनत के साथ आई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नापसंद किया। मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो मेरा भतीजा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब औरत बालिग हो जाए तो उसके लिए जायज़ नहीं कि अपने जिस्म में से कुछ जाहिर करे सिवाय चेहरे के और सिवाय इसके। ये कहकर आपने अपनी कलाई पर इस तरह हाथ रखा कि आपकी गिरफ्त के मकाम और हथेली के दरमियान सिर्फ एक मुट्ठी की जगह बाकी थी। अस्मा बिनत अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हा, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साली थी, एक मर्तबा आपके सामने बारीक लिबास पहनकर हाजिर हुई। इस हाल में कि जिस्म अंदर से छलक रहा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन नजर फेर ली और फरमाया, ऐ अस्मा, औरत जब सन्न बुलूग को पहुंच जाए तो दुरुस्त नहीं कि उसके जिस्म में से कुछ देखा जाए बजुज उसके और इसके। ये कहकर आपने अपने चेहरे और हथेलियों की तरफ इशारा फरमाया। तकमिला फतहिल कदीर। हफ्सा बिनत अब्दुल रहमान आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुई और एक बारीक दुपट्टा ओढ़े हुए थीं। हजरत आयशा ने उसको फाड़ दिया और एक मोटी ओढ़नी उन पर डाली। मुअत्ता इमाम मालिक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह की लानत है उन औरतों पर जो लिबास पहनकर भी नंगी की नंगी रहें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, लअनल्लाहुल कासियात अल आरियात। अल्लाह की लानत है उन औरतों पर जो लिबास पहनकर भी नंगी की नंगी रहें। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का इरशाद है कि अपनी औरतों को ऐसे कपड़े ना पहनाओ जो जिस्म पर इस तरह चुस्त हो के सारे जिस्म की हैयत नुमाया हो जाए। अल मबसूत। इन तमाम रिवायात से मालूम होता है कि चेहरे और हाथों के सिवा औरत का पूरा जिस्म सतर में दाखिल है, जिसको अपने घर में अपने करीब तरीन अजीजों से भी छिपाना इस पर वाजिब है। वो शौहर के सिवा किसी के सामने अपने सतर को खोल नहीं सकती, खा वो उसका बाप हो, भाई हो या भतीजा ही क्यों ना हो। हत्ता कि वो ऐसा बारीक लिबास भी नहीं पहन सकती जिसमें सतर नुमाया होता हो। इस बाब में जितने अहकाम हैं वो सब जवान औरत के हैं। सतर के अहकाम उस वक्त आयद होते हैं जब औरत सन्ने रुश्द के करीब पहुंच जाए और उस वक्त तक नाफिज रहते हैं जब तक इसमें सिन्फी कशिश
बाकी रहे। इस उम्र से गुजर जाने के बाद इनमें तख़फीफ कर दी जाती है। चुनाचे कुरान में है, وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ। और बड़ी बूढ़ी औरतें जो निकाह की उम्मीद नहीं रखती, अगर अपने दुपट्टे उतार कर रखा करें तो इसमें कोई मुजायका नहीं, बशर्ते कि अपनी जीनत की नुमाइश मकसूद ना हो, और अगर वो एहतियात रखें तो ये इनके लिए बेहतर है। सूरतुन नूर। यहाँ तख़फीफ की इल्लत साफ बयान कर दी गई है। निकाह की उम्मीद बाकी न रहने से ऐसी उम्र मुराद है जिसमें सिन्फी ख्वाहिशात फना हो जाती हैं और कोई कशिश भी बाकी नहीं रहती। ताहम मजीद एहतियात के तौर पर यह शर्त लगा दी गई कि जीनत की नुमाइश मकसूद ना हो, यानी अगर सिन्फी ख्वाहिशात की एक चिंगारी भी सीने में बाकी हो तो दुपट्टा वगैरह उतार कर बैठना दुरुस्त नहीं। तख़फीफ सिर्फ उन बूढ़ियों के लिए है जिनको सन रसीदगी ने लाश की क्यूद से बेपरवाह कर दिया हो और जिनके तरफ बजुज एहतराम की नज़रों के और किसी किस्म के नज़रें उठने का कोई इम्कान ना हो। ऐसी औरतें घर में बगैर दुपट्टे और ओढ़नी के भी रह सकती हैं। इस्तिज़ान। इसके बाद दूसरी हद ये कायम की गई है कि घर के आदमियों को बिला इत्तला अचानक घरों में दाखिल होने से मना कर दिया, ताकि औरतों को किसी ऐसे हाल में ना देखें जिसमें मर्दों को नहीं देखना चाहिए। وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ سُورَةُ النُّورِ। اور جب تمہارے لڑکے سن بلوغ کو پہنچ جائیں تو چاہیے کہ وہ اسی طرح اجازت لے کر گھر میں آئیں جس طرح ان کے بڑے ان سے پہلے اجازت لے کر آتے تھے۔ یہاں بھی علت حکم پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ استئذان کی حد اسی وقت شروع ہوتی ہے جبکہ صنفی احساس پیدا ہو جائے، اس سے پہلے اجازت مانگنا ضروری نہیں۔ اس کے ساتھ غیر لوگوں کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا سورۃ النور۔ اے اہل ایمان، اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک کہ اہل خانہ سے پوچھ نہ لو، اور جب داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو۔ اصل مقصد اندرون خانہ اور بیرون خانہ کے درمیان حد بندی کرنا ہے، تاکہ اپنی خانگی میں عورتیں اور مرد اجنبیوں کی نظروں سے محفوظ رہیں۔ اہل عرب ابتدا میں ان کے احکام کی علت کو نہ سمجھ سکے، اس لیے بسا اوقات وہ گھر کے باہر سے گھروں میں جھانک لیتے تھے۔ ایک مرتبہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا۔ آپ اپنے حجرے میں تشریف رکھتے تھے، ایک شخص نے تابدان میں سے جھانکا۔ اس پر آپ نے فرمایا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تو جھانک رہا ہے تو میں تیری آنکھ میں کوئی چیز چبھو دیتا۔ استئذان کا حکم تو نظروں سے بچانے ہی کے لیے دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اعلان فرمایا، اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں بلا اجازت دیکھے تو گھر والوں کو حق ہے کہ اس کی آنکھ پھوڑ دیں۔ پھر اجنبی مردوں کو حکم دیا گیا کہ کسی دوسرے کے گھر سے کوئی چیز مانگنی ہو تو گھر میں نہ چلے جائیں بلکہ باہر پردے کی اوٹ سے مانگیں۔ سورۃ الاحزاب میں ایک آیت ہے، اس میں ہے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ۔ اور جب تم عورتوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کی اوٹ سے مانگو، اس میں تمہارے لیے، تمہارے دلوں کے لیے بھی پاکیزگی ہے اور ان کے دلوں کے لیے بھی۔ یہاں بھی حد بندی کے مقصد پر ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن سے پوری روشنی ڈال دی گئی ہے۔ عورتوں اور مردوں کو صنفی میلانات اور تحریکات سے بچانا ہی اصل مقصود ہے، اور یہ حد بندیاں اسی لیے کی جا رہی ہیں کہ عورتوں اور مردوں کے درمیان خلا ملا اور بے تکلفی نہ ہونے پائے۔ یہ احکام صرف اجانب ہی کے لیے نہیں بلکہ گھر کے خدام کے لیے بھی ہیں۔ چنانچہ روایت میں آیا ہے کہ بلال یا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے آپ کے کسی بچے کو مانگا تو آپ نے پردے کے پیچھے سے ہاتھ بڑھا کر دیا، حالانکہ یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام خاص تھے اور آپ کے پاس گھر والوں کی طرح رہتے تھے۔ تخلیہ اور لمس کی ممانعت۔ تیسری حد بندی یہ ہے کہ شوہر کے سوا کسی عورت کے پاس کوئی مرد نہ تخلیے میں رہے اور نہ اس کے جسم کو مس کرے، خواہ وہ قریب ترین عزیز ہی کیوں نہ ہو۔
उकबा इबन आमिर से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरदार औरतों के पास तन्हाई में ना जाओ। अंसार में से एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, देवर और जेठ के मुतालिक क्या इरशाद है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मौत है। शौहरों की गैर मौजूदगी में औरतों के पास ना जाओ, क्योंकि शैतान तुम में से किसी के अंदर खून की गर्दिश की तरह गर्दिश कर रहा है। अमर इबन आस की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको औरतों के पास उनके शौहरों की इजाजत के बगैर जाने से मना फरमा दिया। मुस्लिम की एक रिवायत में है, आज के बाद से कोई शख्स किसी औरत के पास उसके शौहर के गियाब में ना जाए, तावक्ते कि उसके साथ एक दो आदमी और ना हो। ऐसे ही अहकाम लम्स के मुतालिक भी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी औरत का हाथ छुए जिसके साथ उसका जायज ताल्लुक ना हो, उस हथेली पर कयामत के रोज अंगारा रखा जाएगा। आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों से सिर्फ जबानी इकरार लेकर बयत किया करते थे, उनका हाथ अपने हाथ में ना लेते थे। आपने कभी ऐसी औरत के हाथ को मस नहीं किया जो आपके निकाह में ना हो। उमैमा बिन रकीका का बयान है कि मैं चंद औरतों के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत करने हाजिर हुई। आपने हमसे इकरार लिया कि शिर्क, चोरी, जिना, बोहतान तराशी और इफ्तरा परदाजी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी से एतराज करना। जब इकरार हो चुका तो हमने अर्ज किया कि तशरीफ लाइए ताकि हम आपसे बैत कर लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं औरतों से मुसाफहा नहीं करता, सिर्फ जबानी इकरार काफी है। ये अहकाम भी सिर्फ जवान औरतों के लिए हैं। सन रसीदा औरतों के साथ खिलवत में बैठना जायज है और उनको छूना ममनू भी नहीं है। चुनाचे हजरत अबू बकर के मुतालिक मनकूल है कि वो एक कबीले में जाते थे जहां उन्होंने दूध पिया था और आप उस कबीले की बूढ़ी औरतों से मुसाफहा करते थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर के मुतालिक ये रिवायत है कि वो एक बूढ़ी औरत से पांव और सर दबवा लिया करते थे। ये इम्तियाज जो बूढ़ी और जवान औरतों के दरमियान किया गया है, खुद इस बात पर दलालत करता है कि दरअसल दोनों सिर्फों के दरमियान ऐसे इख्तलात को रोकना मकसूद है जो फितने का सबब बन सकता है। महरिमों और गैर महरिमों के दरमियान फर्क। ये तो वो अहकाम थे जिनमें शौहर के सिवा तमाम मर्द शामिल हैं, खाह वो महरिम हो या गैर महरिम। औरत उनमें से किसी के सामने अपना सतर यानी चेहरे और हाथ के सिवा जिस्म का कोई हिस्सा नहीं खोल सकती, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मर्द किसी के सामने अपना सतर यानी नाफ और घुटने के दरमियान का हिस्सा नहीं खोल सकता। सब मर्दों को घरों में इजाजत लेकर दाखिल होना चाहिए और उनमें से किसी का औरत के पास खिलवत में बैठना या उसके जिस्म को हाथ लगाना जायज नहीं। इसके बाद महरिमों और गैर महरिमों के दरमियान तफरीक की जाती है। कुरान और हदीस में तफसील के साथ बता दिया गया है कि आज़ादी और बेतकल्लुफी के कौन से मदारिज ऐसे हैं जो सिर्फ महरिम मर्दों के सामने बरते जा सकते हैं और गैर महरिम मर्दों के सामने बरतने जायज नहीं है। यही चीज़ है जिसको उर्फ़ आम में पर्दा या हिजाब से ताबीर किया जाता है।